ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। एक पौधा आपके सामने है, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कामगीर ये पौधा आपके सामने दिख रहा होगा, जिसका नाम है विमला तुलसी। ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर इस पौधे को मैं आपको दिखाऊं, मजबूती के साथ ये पौधा खड़ा होता है। कितने मजबूत इसकी डंडी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये पौधा बड़ा है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। और इसकी पहचान मैं आपको बता दूँ, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको विमला तुलसी के बारे में, जो कि मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में भी, कि आज मैं इस विमला तुलसी को एक लोग को भेजने वाला हूं। आपसे मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं सभी लोगों को इस विमला तुलसी को उनके घर तक पहुंचाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं विमल साधु कुमार एक हैं जो कि अयोध्या जी के रहने वाले हैं, उनको मैं ये पौधा आज, यहां पर सोमवार का दिन है तो आज भोले बाबा के दिन पर आज मैं ये पौधा उनको कुरियर करने वाला हूं, सिर्फ ट्रायल के तौर पर, कि देखता हूं कि ये पौधा कहीं सूखता तो नहीं है, जड़ें कमजोर तो नहीं हो जाती हैं। अगर मेरा ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो मैं आप सभी को धीरे धीरे करके इस पौधे को भेजना शुरू कर दूंगा। और आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को अपना, ऐसा नहीं कि आप लोग यहां पर अपना एड्रेस लिखना शुरू कर दें, नहीं, एड्रेस आपको अगर कुछ भी पूछना है, देना है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर दे दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप इस पौधे को पहचानने की बात बता देता हूँ, अभी तो मैंने बता दिया कि इस पौधे को मैं भेजने का कार्य शुरू कर रहा हूँ। पौधा देखिए कितना छोटे छोटे इसकी पत्तियाँ होती हैं। एक बहुत ही बड़ी पहचान इस पौधे की ये है कि जैसे ही आप इसको अपने मुँह के अंदर रखेंगे, यानी कि इसको चबाएँगे, खाएँगे इनकी पत्तियों को, तो उसके बाद अगर आप चीनी खाते हैं तो वो चीनी आपको हल्की पानी के तौर पर लगेगी, मतलब उतनी मीठी नहीं लगेगी जितनी चीनी होती है ना, वैसे मीठी लगेगी लेकिन उतनी मीठी नहीं लगेगी जितनी होती है। पौधे को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो लोग पहचानते नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ध्यान से देखिए इस पौधे को, कितनी छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि नीचे की पत्तियां सूख गई, देखिए सूख भी गई हैं तब भी हल्की हल्की छोटी छोटी पत्तियां यहां पर देखिए नीचे आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर पत्तियां यहां पर निकल रही हैं। पौधे को हमेशा जब भी लेने जाइए खा करके देखिएगा, और उसके बाद एक मीठा जरूर खाइएगा ताकि आपको पता चले कि असली पौधा है। ऊपर से अगर दिखाने की कोशिश करूं, देखिए कितना ही सुंदर यह पौधा आपको दिखाई देता है। पत्ते बहुत, जितने नॉर्मल तुलसी जी के पत्ते होते हैं उससे काफी छोटे पत्ते यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यह पौधा आज मैं विमल साहब को भेजूंगा, और उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि मतलब मेरी माता जी 60 साल से ऊपर हैं, बहुत ज्यादा उनको डायबिटीज की बीमारी है और ठीक नहीं हो रही है, और पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी बताया है वैसे ही वो पालन कर रहे हैं, और उनकी माता जी ठीक हैं और विमला तुलसी की उनको जरूरत थी बहुत ज्यादा, तो इस तुलसी जी को मैं वहां पर उनको भेज रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग को भी मैं जल्दी भेजूं। वैसे बारिश का दिन है तो पौधा क्या हो रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है। जो भी मैंने बीज बोया है ये मेरा ही पौधा है, तो मैंने इसको निकाल करके उनको भेज रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, तो मैंने सोचा उनको इस पौधे को मैं भेज दूँ। आराम से इस पौधे को आप लोग देख लीजिए, जो भी लोगों ने अब तक नहीं पहचान पाए हैं, इससे पहले मैंने बनाया था वीडियो लेकिन यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया क्यों, मुझसे क्या दुश्मनी है यूट्यूब को। देखिए पौधा ऐसा नहीं कि नीचे की पत्तियाँ सूख गई हैं, देखिए काफ़ी मजबूत होती हैं जब ये बड़ी हो जाती हैं तुलसी जी की पौधे, विमला तुलसी के ना, लेकिन जो ऊपर के पत्ते आप देखें बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारे और बहुत ही छोटे छोटे पत्ते यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई बड़े पत्ते आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हां जब ये पौधा छोटा होता है तो पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं। तो वीडियो आप लोग लाइक जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, और शेयर जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा आपको मतलब बताने में आसानी हो सके और मैं आप लोग के पास इस पौधे को, विमला जी के पौधे को, इसको मैं भेज पाऊं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। शेयर सभी लोग जरूर करिएगा।